गोपालगंज फल कारोबारी परवेज गुज्जर हत्या मामले में 8 लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। बता दें कि 2 रोज पूर्व गोपालगंज के जंगलिया निवासी परवेज गुज्जर को उस वक्त गोली मार दी गई थी जब वो उचका गांव के संत मोड़ स्थित एक होटल से खाना खाकर बाहर निकल रहा था। बता दें कि परवेज गुज्जर को सोमवार की रात बाइक सवार अपराधियों ने पीठ में गोली मारी थी। इसके बाद आनन फानन में उसे गोपालगंज के सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां स्थिति को नाजुक देखते हुए पटना रेफर किया गया था, जहां पटना ले जाते क्रम में ही परवेज की मौत हो गई थी। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है और मृतक परवेज गुज्जर के परिवार की तरफ से 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पूर्व विधानसभा उम्मीदवार व बसपा नेता शाह आलम का भी नाम है। इसके अलावा अनवर अली, पप्पू, मोहम्मद हुसैन, महमूद आलम, जावेद नसरुद्दीन, मोहम्मद इकराम शामिल है। प्राथमिकी में बताया गया है कि एक साजिश के तहत इन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप न्यूज इंडिया तक पर देख रहे हैं। हर ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विजन सॉल्यूशंस के सीसीटीवी कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कॉन्टेक्ट करें 7857934410।